चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। कैसा हो अगर आपको गांव शिफ्ट होने के लिए सरकार लाखों रुपए दे दे। कुछ ऐसा ही हो रहा है जापान में। जापान की जो राजधानी है टोक्यो छोड़कर गांव बसने वाले लोगों को 6 लाख रुपए से ज्यादा वहां की सरकार देने की पेशकश कर रही है, लेकिन इसकी जो वजह है वो जापान के लिए बड़ी चिंता बनती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में सबसे ज्यादा उम्रदराज लोग अगर कहीं पर हैं तो वो जापान है। अपनी अनोखी परंपराओं के लिए फेमस ये देश अब लोगों को एक खास ऑफर दे रहा है। इस ऑफर के तहत लोगों को 10 लाख येन यानी 6 लाख रुपए से ज्यादा दिए जा रहे हैं और ये पैसे सिर्फ टोक्यो से बाहर बसने के नाम पर मिल रहे हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट की माने तो जापान सरकार उन लोगों को 6 लाख से भी ज्यादा की सब्सिडी दे रही है जो टोक्यो छोड़कर देश के ग्रामीण और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसेंगे। प्रस्ताव के तहत 2 बच्चों वाले परिवार को टोक्यो छोड़ने पर 30 लाख येन यानी करीब 19 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। यही नहीं, अगर कोई टोक्यो के बाहर कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे सरकार अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करेगी। हालांकि इस ऑफर का फायदा उन लोगों को ही मिलेगा जो टोक्यो के बाहर कम से कम 5 साल तक रहने के लिए तैयार हों। अगर कोई 5 साल पूरा करने से पहले ही टोक्यो लौट आता है तो उसे पूरे पैसे लौटाने होंगे। जापान सरकार की ये कोई नई योजना नहीं है। सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी जिसके तहत टोक्यो छोड़ने पर 3 लाख येन करीब 2 लाख रुपए मिलते थे। इस बार इस राशि को बढ़ा दिया गया है। जापान सरकार की तरफ से शुरू की गई ये योजना कम होती जनसंख्या पर लगाम लगाने की कोशिश है। जापान के ग्रामीण इलाकों में तेजी से जनसंख्या कम हो रही है। लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र खाली हो रहे हैं। हाल के वर्षों में जापान के ग्रामीण भाग में जनसंख्या काफी ज्यादा कम हुई है। कई गांवों में सिर्फ बुजुर्ग ही रह गए हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि सहायता राशि परिवार को इन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और ग्रेटर टोक्यो में सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।